बढ़ते हैं आगे और अब दिल्ली एनसीआर से सन कर देने वाली तीन खबरें। राजधानी दिल्ली में बच्चों के साथ दरिंदगी, ढाई और पांच साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप की दूसरी वारदात गुड़गांव से है, जहां 20 साल की लड़की के साथ छह लड़कों ने दरिंदगी की। दिल्ली एनसीआर की ये तीन घटनाएं जो तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली से नोएडा में छेड़छाड़ से तंग आकर एक 11वीं की छात्रा ने जान दे दी है। दिल्ली एनसीआर से ये तीन घटनाएं सामने आई, जहां पर दो बच्चियों के साथ रेप की वारदात सामने आई। इसके अलावा छेड़छाड़ से तंग आकर नोएडा में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की घटना की। नोएडा में मनचलों के खौफ से एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसकी जान बचाई जा सकती थी अगर सिस्टम को सांप ना सूंघ गया होता। उसकी जान सिस्टम की वजह से गई, जिस पर भरोसा करके बार बार परिवार ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस उन्हें टरकाती रही। जब तक एफआईआर दर्ज हुई, छात्रा की हिम्मत टूट चुकी थी। दिल्ली से सटे नोएडा में दिल दहलाने वाली घटना। छेड़छाड़ से परेशान स्टूडेंट ने किया सुसाइड। सिस्टम ने 11वीं की छात्रा को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जिन मनचलों की दहशत के कारण वो हर पल खौफ में रहती थी, उन मनचलों को पकड़ने की जिम्मेदारी जिन पुलिस वालों पर थी, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। उन्हें बड़े हादसे का इंतजार था और 16 अक्टूबर की शाम आखिर छात्रा का हौसला सिस्टम से हार गया। उसने सुसाइड कर लिया। करती भी तो क्या करती। पुलिस वालों से एक दो बार नहीं, कई बार और कई जगह शिकायत की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कई बार चक्कर लगवाने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। और जो प्रथम दृष्टया आया है कि चौकी इंचार्ज से वो दो बार मिलने थाने भी गए, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तो जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी लापरवाही को दृष्टगत रखते हुए उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और इसमें अन्य भी किसी की लापरवाही आएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के छिजारसी गांव में अपने घर के इसी कमरे में 11वीं की छात्रा ने मनचलों के आतंक से परेशान होकर फांसी लगा ली। घर से स्कूल जाते समय मनचले उसके पीछे लग जाते। स्कूल से घर लौटते समय मनचले कभी रास्ते में उसका हाथ पकड़ लेते तो कभी उस पर कमेंट करते। कुछ दिन पहले कार सवार बदमाशों ने उसे अगवा करने की भी कोशिश की, लेकिन वो बचकर वहां से निकल भागी। छात्रा का आरोप था कि तीन मनचले उसे छेड़ते थे। परेशान होकर छात्रा ने नोएडा पुलिस के सिपाही से लेकर चौकी इंचार्ज और थाने के मुंशी से लेकर एसएचओ तक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने एफआईआर एक दिन तक घुमा दी। रात को 1 बजे हम आए, वो सोने कह दी कि छान भी निकल लो तब एफआईआर लगेंगे तुम्हारी। फिर वहाँ से हम यहाँ सेक्टर 6 आए तो उन्होंने फोन करा को एफआईआर कौन लिख रहे ना कि तो दूसरे दिन बोले कि चलो 5 बजे। फिर 5 बजे दूसरे दिन एफआईआर लिखी उन्होंने। अब छात्रा के सुसाइड के बाद पुलिस अफसर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इंसाफ मिलेगा भी तो उस छात्रा के किस काम का, जिसे सिस्टम को नींद से जगाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी। आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हाँ, पुलिस ने वो कार बरामद करने का दावा जरूर किया है जिसमें बैठकर मनचले छात्रा का पीछा करते थे। लापरवाही में एक पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई काफी है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक।